भाई 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 पीछे आपको देखा, लेकिन ये वाकई कुछ अलग होगा सोनाली जी। इट्स ब्रोकन न्यूज़, दैट्स व्हाई इट्स डिफरेंट, नॉट ब्रेकिंग न्यूज़। ब्रेकिंग न्यूज़ सारी दुनिया दिखा रही है, हम दिखाना चाह रहे हैं कि उनके पीछे सच्चाई क्या है, या वो दुनिया जो जनरली सिर्फ टीवी पे देखते हैं उसके पीछे का सच थोड़ा सा कैसा हो सकता है, लाइक ह्यूमन लेवल पे, या फिर जो हम देखते हैं टीवी पे उसमें कितना फ़र्क है, एक दुनिया दिखाने की कोशिश की गई। सुराजी एंड पाताल लोग बहुत से अलग अलग उसमें अलग अलग किरदार देखे, लेकिन इसमें वाकई क्या अलग होगा जो ऑडियंस को पसंद आएगा? आपने जिन चीज़ों के नाम लिए वो उसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ब्रोकन न्यूज़ जिसका कहीं से कोई लेना देना नहीं है। राज इज़ वेरी डिफरेंट, पाताल लोक इज़ वेरी डिफरेंट, उसका एक छोटा हिस्सा पाताल लोक में दिखाया गया था कि आप कैसे, आपकी खबर नहीं है। जैसे पाताल लोक में एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग वो था कि संजय मेहरा कैसे अपनी लाइफ को, संजीव मेहरा जो है कैसे मीडिया को इस्तेमाल करता है अपने लिए। तो यहाँ पूरा मीडिया है और हम ही संजीव मेहरा है और हम ही क्या नाम है दीपांकर सान्याल है। तो देखते हैं, एक नए तरीके की दुनिया दिखाने की कोशिश की गई है विद ह्यूमन इमोशंस एंड देयर पर्सनल जर्नी, देयर लाइफ इन द मीडिया। सो लेट्स सी, आई होप कि लोगों तक पहुँचे बात। जिस तरीके से बताया गया है कि स्टोरीज जो है वो रियलिस्टिक होंगी, जो भी स्टोरीज जो रियल होता है सोनाली मैम के थ्रू। सो इसके बाद भी जो आने वाले सीरीज हो, जो भी न्यू एपिसोड्स होंगे, सो उसमें भी अलग अलग स्टोरीज होंगी। वो तो नहीं बता पाऊंगा मैं आपको पर हाँ मतलब ये भी होगा, कुछ और नया भी होगा। तो सर सोनाली जी से काम करते हुए कैसा लगा? बढ़िया सर, बहुत अच्छा। मेरे बहुत ज़्यादा सीन नहीं है उनके साथ, बट आप सब वो दौर से बड़े हुए हैं जब सोनाली जी को पर्दे पे देखते थे। और इट्स बीन अमेजिंग एंड मेसमराइजिंग। और सर आपकी अभी एक और नई सीरीज़ आ रही है करीना कपूर जी के साथ। हाल ही में आपने जो एक छोटा सा वीडियो डाला जहाँ पे आप करीना कपूर के साथ पाउट करते हुए नजर आए थे, तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? पाउटिंग का एक्सपीरियंस कैसा? पहली बात वो सीरीज़ नहीं है, वो फिल्म है। दूसरा वो वीडियो नहीं है, फोटोग्राफ है। दो करेक्शन में करना चाहूँगा, तो सच और सनसनी के बीच का वही मामला ही है, जो सच होता है वो सनसनी तक फैल जाती है। तो आपने एक फ़ोटो को वीडियो बना दिया और एक फिल्म को सीरीज़ बना दिया। तो दैट्स व्हाट ब्रोकन न्यूज़ इज़ ऑल अबाउट। तो लेकिन वो अच्छा एक्सपीरियंस है। इससे फिल्म बाय सुजो कोश, बहुत अच्छा थ्रिलर है और बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। ब्रोकन न्यूज़ सुनते ही पहले ऐसा लगता है कि ट्रेलर देखते ही न्यूज़ के बारे में बहुत कुछ आपने जाना होगा, बहुत कुछ सीखा होगा, तो क्या कुछ न्यू आप बताना चाहोगे? आई थिंक वो हम सब देखते हैं। कुछ लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, कुछ लोगों के साथ वो रह जाता है। तो आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन मीडिया या पॉडकास्टिंग मीडिया जितना एक्टिव है, मुझे नहीं लगता कि इस देश के इतिहास में कभी भी रहा होगा, और उतना रेलेवेंट। इसलिए बोलते हैं कि जब मीडिया आपके लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां बनती हैं। दुनिया में जहाँ जहाँ बाकी तीन स्तंभ फेल हुए हैं, मीडिया ने हमेशा उसको संभालने की कोशिश की। तो इसलिए बहुत रेलेवेंट सब्जेक्ट है, शायद ये बड़ी वजह थी उसको करने की। सर आज के मीडिया को आप किस तरह देखते हैं और आप क्या करेक्शन करना चाहेंगे? करेक्शंस मेरे बस में होते तो बात अलग थी, पर इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आम तक पहुंचाई जाती है एक नागरिक के तौर पे भी आपका वो बनता है कि आप उसको कितने सही तरीके से लेते हो और क्या उसके ऊपर रिसर्च करते हो कि आप ये मानते हो कि जो आपको दिखाया जा रहा है वो सही है या गलत है। आपके हिसाब से यूएसपी क्या रहेगी इस पे? मुख्य रेलेवेंसी आज के दौर में जब इन्फॉर्मेशन आपको हर जगह से मिलती है, आपको व्हाट्सएप पे मिलती है, आपको इंस्टाग्राम पे भी मिलती है, आपको गूगल से मिलती है, न्यूज़ चैनल्स पे भी मिलती है, लोग एक दूसरे को सारा दिन खबरें वहाँ ये हुआ वहाँ ये हुआ, कोई भी खबर पीछे नहीं रह सकती। तो वो जो दुनिया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आई थिंक वो यूएसपी है उस चीज़ की। और बाकी गुड सेट ऑफ एक्टर्स आई थिंक। ब्रोकन न्यूज़ की बात करें 10 जून C5। बहुत सारा प्यार दिया आप लोगों ने तो उसको बनाए रखिए। थोड़ी बहुत गलतियाँ हम भी करेंगे पर गलतियों से सीखना बहुत ज़रूरी है और अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से काम करेंगे वो आप तक पहुँचता रहे। थैंक यू। Thank you. We'll start with one.